हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। खास उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भाग लिए थे, चाहे उनका सिलेक्शन हुआ है चाहे नहीं हुआ है। दोस्तों, दोनों के लिए बेहद आवश्यक। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हो चुका है, यानी फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खास है। यदि आप समझ गए अभी तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, यदि आप नहीं समझे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। जो भी स्टूडेंट सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा लोगों का कहना रहता है कि इसमें लाइसेंस कुछ ना कुछ पुराना होना चाहिए, 6 मंथ पुराना मिनिमम होना चाहिए लाइसेंस। दोस्तों, क्या हकीकत है, क्या ऑफिशियल है, इस वीडियो में आप लोग जानिए। हम आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दोस्तों ऑफिशियल ही प्रोवाइड करते हैं, अपने मन से आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानोगे कि किसका किसका लाइसेंस है कि वैलिड माना जाएगा, किसका किसका लाइसेंस इनवैलिड माना जाएगा, आज के इस वीडियो में आप लोग जानोगे। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोगों को यह भी मैं बताऊंगा सेकंड लिस्ट के लिए जो भी स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं, यानी जितने भी स्टूडेंट्स का बहुत कम नंबर से सिलेक्शन रुक गया है किन्हीं कारणों से, तो उनका किस प्रकार दोस्तों सेकंड लिस्ट अब जारी किया जाएगा, पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इन वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का यही क्लियर मैं कर देना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि उनका लाइसेंस कुछ ना कुछ पुराना होना चाहिए यानी 6 मंथ पहले का बना होना चाहिए, दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए, फिजूल के अफवाहों में ना आप लोग पड़े। आप लोगों की रिगार्डिंग पूरी पक्की इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूं। पिछले भी वीडियो में मैं बताया था कि आपका फिजिकल से एक दिन पहले भी यदि बना होगा लाइसेंस तो वैलिड माना जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं पूरा बताया गया है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में बताया गया है, कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB मतलब मोटरसाइकिल अथवा कार फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल मेल इन दिल्ली पुलिस एज ऑन द डेट ऑफ PE and MT यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट से पहले का बना होना चाहिए। यहां पर उन सभी का डाउट दूर हो गया होगा जो ये सोच रहे थे कि 6 मंथ पुराना आपका लाइसेंस बना होना चाहिए। यदि दोस्तों आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों, अभी हम आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन आगे बताने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा खास है, शायद ही आप सभी को कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन ऑफिशियल प्रोवाइड कर पाएगा। आप लोग देखते रहिए, आपका सिलेक्शन कुछ ही नंबरों की वजह से रुक गया है तो आप लोग वेट कीजिएगा सेकंड लिस्ट का, आगे वीडियो में मैं बताता हूं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों हर एक इंफॉर्मेशन आप सभी को इसके रिगार्डिंग मिलती रहे। दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताया गया है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के रिगार्डिंग। ये सबसे पहला वाला इंफॉर्मेशन तो जनरली है क्योंकि ये सब जानते हैं कि स्टॉप सिलेक्शन कमीशन के द्वारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट का सेंटर जारी किया जाएगा दिल्ली में। ये इंफॉर्मेशन तो नॉर्मली है, लेकिन खास क्या है, दूसरा वाला आप लोग देखिए पूरी इंफॉर्मेशन। यहां पर बताया गया है PE and MT यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 3 सेंटर नॉर्मली पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वरीजाबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल यानी 3 सेंटर पर नॉर्मली आयोजित कराई जाती है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कौन कौन सेंटर है, यहाँ पर आप लोग सेंटर का नाम भी देख सकते हो, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वरीजाबाद यहाँ पर बताया गया है, और नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो ये बताया गया है, और नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये बताया गया है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है पूरा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 3 सेंटर जो दिल्ली में रहता है फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए, वो सेंटर का नाम क्या है और पूरा डिटेल आप लोग यहां पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा ताकि दोस्तों मोटिवेशन बना रहे। यहां पर आप लोग नेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के मन में लगातार डाउट बना हुआ है। हमने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के समय ही होगा, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं पूरा इंफॉर्मेशन बताया गया है। दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में बताया गया हाइट और चेस्ट के बारे में कि किस प्रकार हाइट और चेस्ट आपका देखा जाएगा। बताया गया है हाइट एंड चेस्ट विल बी मेजर्ड थ्रू डिजिटल इक्विपमेंट्स, यानी डिजिटल इक्विपमेंट्स का मतलब है दोस्तों कि आपका हाइट एंड चेस्ट जो नापा जाएगा, हाइट और चेस्ट जो आपका लिया जाएगा वह डिजिटल इक्विपमेंट्स के द्वारा लिया जाएगा, यानी डिजिटल उपकरण के द्वारा। तो आप लोगों का डाउट यहां पर भी क्लियर कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस इशू ऑन बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ PE and MT यानी आपका ड्राइविंग
ड्राइविंग लाइसेंस इशू होना चाहिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट से पहले। सबसे खास इंपोर्टेंट बात यहाँ पर भी बताया गया है, जब आप पहुंचोगे फिजिकल के सेंटर पर तो पहले आपका क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ पियर इन पीई एंड एमटी शुड फर्स्ट रिपोर्ट टू होल्डिंग एरिया, द स्टाफ ऑफ होल्डिंग एरिया विल चेक द फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो पास देम। यहाँ पर कहने का मतलब है आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, आपका फोटोग्राफ चेक किया जाएगा, मैट्रिक लिया जाएगा, आपका फिंगरप्रिंट चेक किया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। और दोस्तों बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं, पर आप लोगों के रिगार्डिंग कुछ खास इन्फॉर्मेशन है ये भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, काफी ज्यादा लोगों का कहना रहता है कि कैसे पता चलेगा कि फिजिकल में पास हुए या फेल हुए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन बताया गया है किस प्रकार पता चलेगा कि किस प्रकार रिजल्ट पता चलेगा फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट का रिजल्ट। यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सीसीटीवी कैमरा के साथ आपका फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा और उसका वीडियोग्राफी दोस्तों यह 3 साल तक रखा रहेगा दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पर। पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग खुद ही देख लीजिए। अब काफी ज्यादा लोगों के मन में डाउट रहता है कि फाइनल दोस्तों किस प्रकार रिजल्ट बनता है, फाइनल मेरिट किस प्रकार बनता है, तो दोस्तों मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन बताया गया है। उम्मीद आप लोगों ने जैसा कि देखा कि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिल गई कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट जो आप लोगों का होना, जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट, दोस्तों आप लोगों ने जैसा कि देखा जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए बहुत ही मेन इन्फॉर्मेशन अभी अभी हमने प्रोवाइड किया। दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे दोस्तों समस्त स्टूडेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा जो भी स्टूडेंट सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं दोस्तों उनका क्या होगा। दोस्तों सेकेंड लिस्ट का जो भी वेट कर रहे हैं उनका तभी कुछ हो पाएगा जब इनका सेलेक्ट, दोस्तों जब इनका पहले फिजिकल हो जाएगा तब, क्योंकि दोस्तों फिजिकल में कितने स्टूडेंट छटते हैं कितने स्टूडेंट नहीं छटते हैं पूरा पहले मेजरमेंट निकल कर आ जाएगा, फिर आपका सेकंड लिस्ट जारी होगा। दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए, अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्जाम जो आप लोग फॉर्म अप्लाई किए उसका करिए उसके लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के रिगार्डिंग कोई धोखा ना हो मैं यह नहीं चाहता। आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए और नेक्स्ट दोस्तों जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आएगी सेकेंड लिस्ट के रिगार्डिंग आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि 85% पूरा चांस है कि इसका सेकंड लिस्ट आए, क्योंकि फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट दोस्तों इसमें आसान नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है। 45% स्टूडेंट्स के पास लाइसेंस भी नहीं है और लाइसेंस है तो लर्निंग लाइसेंस है, दोस्तों लर्निंग लाइसेंस इसमें नॉट एक्सेप्टेबल है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का सभी डाउट दोस्तों क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच।